नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सीपी जोशी, दो सीपी जोशी हैं। जी हाँ, राजस्थान में पहले ये क्लियर कर दूं। और जिस सीपी जोशी के बारे में चर्चा कर रहा हूं वो बीजेपी की तरफ से। दरअसल अब उन्होंने अपनी टीम भी बदल दी है, और सिर्फ इसलिए ताकि राजस्थान को जीता जा सके, ताकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा सके। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो नाराजगी और अंतर्कलह है उससे जीता जा सके, उस मौके का फायदा उठाया जा सके। दर्शकों, पूरी खबर यह है कि दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा हुआ, 3 से 4 महीने दिन का वक्त बचा हुआ है, और इसका पूरा फायदा हर पार्टियां उठाना चाहती हैं। अब इन सब के बीच में आप जानते हैं कि कांग्रेस के अंतर्कलह में यानी खेमे में ही जो है बवाल मचा हुआ है, और इससे खूब फायदा उठाना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे और कब करेंगे, खास करके ये चीजें, ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि आप सीपी जोशी साहब पूरे खेल को ही बदल दिया। वहीं कांग्रेस के सीपी जोशी की बात करें तो वो खचरियावास, केशु वेणुगोपाल और बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस अपने का गुट मजबूत है, सचिन पायलट अशोक गहलोत का गुट मजबूत है, हम किसी को इस मौके का फायदा उठाने नहीं देंगे, कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। सीएम चेहरे की जहां तक सवाल है, हम आगे डिसाइड करते हैं, हम लोग लीडरशिप की तरह काम करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई यही है कि जब खड़गे के साथ मीटिंग होती है, राहुल गांधी के साथ मीटिंग होती है, तब सच्चाइयों का पता चलता है। लिहाजा अब सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में कैसे और कब करेंगे ये सब चीजें, ये आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में होता क्या है, ये समझना पड़ेगा। दर्शकों, हम आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये तमाम चीजें क्या कुछ हो रही हैं। आपने देखा, हमने देखा कि किस तरीके से ये चीज होते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि राजस्थान में खास करके चुनाव में कांग्रेस आखिर क्या वापसी कर पाएगी, या फिर बीजेपी इन झगड़ों का, इन लड़ाइयों का फायदा और मौका कैसे उठाते नजर आ रही है। दर्शकों, इस मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या वाकई में जो है कांग्रेस, बीजेपी मात दे पाएगी कांग्रेस को। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार।